तो दोस्तों हमारा नंबर आ गया है, तो काटा हमने करवा लिया है दोस्तों, गाड़ी को हमने लगा दिया साइड। अभी ये गाड़ी अंदर खाली हो रही है तो शॉर्ट किया, चाय पी के आके शॉर्ट किया था दोस्तों। तो त्रिपाल पीछे चक्कर हमारे थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो हवा के खातिर त्रिपाल पूरा बिगड़ गया था, हमने नीचे उतार के फिर लिया है। और ये ताज़ी गाड़ी भी लग गई है और हमारी भी लगा दी है दोस्तों। तो पीछे देख सकते हो दोस्तों, लेबर वाले खाली कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वजन हमारा कंफर्म हो गया है, टीपी भी ले लिया मैंने और अपना काटा पर्ची भी ले लिया है दोस्तों। अब हम करते हैं त्रिपाल दोस्तों, और त्रिपाल करने के बाद फिर मैं सुरेश को भेजता हूँ बिल लेने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं त्रिपाल, फिर भेजूंगा सुरेश को बिल लेने। तो दोस्तों फाइनली हमारा त्रिपाल हो गया है, और त्रिपाल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्यों है कि दोस्तों हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी भाई साहब, इसलिए ज़्यादा ढंग से हुआ नहीं त्रिपाल दोस्तों। फिर भी हमने कोशिश से कर तो दिया, हम पानी वगैरह नहीं जाए वैसा तो कर दिया है। चलो ठीक है दोस्तों, बिल भी हमारा मिल गया। इस बार भी मेरी फैक्ट्री है एब रोड है दोस्तों, तो फैक्ट्री हमारी एब रोड है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं, राजनगर चलते हैं, और मेरा जो मेरा अपने घोड़े के अंदर जो अपने कबाड़ी है उसके अंदर दम करवाया था दोस्तों, तो अपने जो रकापे होती है दोस्तों उनके बोट एक बार चेक करवाने हैं, तो राजनगर जाके करवाऊंगा। और मेरे 3XL का थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो उसका भी करवाना है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधा राज। तो दोस्तों राजनगर हम आ गए थे दोस्तों, और यहाँ हमने खाना पीना खा लिया, और हमारे रकापे के बोर्ड भी हमने टाइट करवा दिए, थोड़े थोड़े ढीले हो गए थे दोस्तों। तो अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ से हम निकल गए हैं वापस अपने, यहाँ भरवाते हैं दोस्तों डीजल, और डीजल भरवा के फिर निकल जाएंगे दोस्तों, और फिर उदयपुर जाके फिर हमारा थोड़ा गैस भी खत्म हो गया है वो भरवा लेंगे, और भाई छोटा मोटा जो सामान कम होगा वो हम ले लेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और भरवाते हैं सीधा डीजल। तो दोस्तों पेट्रोल पंप पे हम आ गए हैं, और हमारा डीजल भरना स्टार्ट हो गया दोस्तों। हमारा डीजल हो रहा है दोस्तों, यहाँ से हम ले रहे 20,000 का दोस्तों। तो 20,000 कभी हमारे बच जाता है मोर भी, और भर के फिर गाड़ी वापस भर के फिर हम वापस डीजल भरवाते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों हम भरवाते हैं डीजल, और डीजल भरवा के फिर यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। तो हमारा डीजल सीधा OTP से भरवाते हैं, तो OTP में पैसा डालते हैं, हमारा OTP नंबर हमारा दे देते हैं, हम सीधा OTP अपना नंबर देंगे, हम OTP देके सीधा 20,000 डीजल भरवा लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से डीजल भरवा के फिर निकलते हैं सीधा। तो दोस्तों वहाँ से हम डीजल भरवा के निकल गए हैं दोस्तों, और दोस्तों वहाँ हम सोच रहे हैं चलते हैं, तो अब टाइम भी 4 हो गया है दोस्तों, तो 2 घंटा लगभग मेरे को लग ही जाएगा, क्योंकि उदयपुर भी पार करना है दोस्तों, तो अभी थोड़ा शाम हो जाएगा, थोड़ा ट्रैफिक भी मिल जाएगा, तो टाइम लगेगा मेरे हिसाब से दोस्तों। तो वहाँ जाके भी सामान वामान लेके फिर सीधा वहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों, और खाने का देखेंगे खेरवाड़ा के बिछीवाड़ा के, चाहे भूख लगी वहीं खा लेंगे, है ना सुरेश? तो ठीक है दोस्तों, चल रहे हैं अभी दोनों आराम से, वो भी बैठा मैं भी बैठा, और बस गाने सुन रहे हैं दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, गाने सुनते हैं और चलते हैं, गाने सुनते सुनते चलते, है ना सुरेश? हाँ गाना। तो दोस्तों यार हमारे 11 का मेला पड़ता है भगवान का दोस्तों, तो अब वो कल प्रोग्राम है, परसों मेला है। तो दोस्तों मैंने मामा जी को कॉल किया, आप आ रहे हो गए? मामा जी तो बोले मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, और मेरे तो इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हो रहे हैं फलाना ढीकड़ा। तो मैंने सोच लिया भाई यार हमारा मेला हम नहीं देख सकते, है ना सिर्फ? तो इस साल का मेला हम नहीं देख सकते दोस्तों, और प्लस दोस्तों एक मतलब ऐसा ही समझ लो कि यार हम काम कर रहे हैं, बस एक मजबूरी समझ लो ऐसा, ताकि जाने वाले जाते भी ऐसी बात नहीं, बट हम तो नहीं जाएंगे दोस्तों। और हम चलो ठीक है, अगली बार देखेंगे। वैसे दोस्तों दीपावली का भी एक डेट बनती है दोस्तों, तो फिर आराम से दीपावली पे जाएंगे, है ना सुरेश? तो मस्त दोस्तों दीपावली पे जाएंगे, तो कोई बात नहीं, होता है दोस्तों कभी कभी। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधा उदयपुर जाके रुकेंगे, तो मस्त गाने सुनते हैं दोस्तों। हमने सामान वगैरह भी ले लिया है दोस्तों, जो हमारे पास कम था वो हमने ले लिया है दोस्तों। और दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं, और एक बार सुरेश टायर देख रहा है दोस्तों, टायर देखने की बात की जाए से, सुरेश ने टायर वगैरह भी देख लिया है, और हमारे पास सामान जो सॉरी हमारे पास जो भी सामान कम था दोस्तों ले लिया हमने, और अंधेरा भी होने वाला है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, बस मतलब टाइम भी हो गया 7:30 के आसपास हो गया, तो बस हो ही जाएगा दोस्तों। और खाने पीने हम देखेंगे सोच रहे अब बॉर्डर पे खा लेंगे सीधा दोस्तों, बॉर्डर पे खा के, और फिर उधर से सुरेश गाड़ी चलाएगा, फिर मैं सो जाऊँगा दोस्तों, उधर से इसका ड्यूटी लग जाएगा, इधर मेरा ड्यूटी है अभी तक। तो ठीक है दोस्तों, टायर हमारे कंप्लीट है, और हमारे थोड़े पैसे भी कम पड़ गए थे, तो 2000 सेठ जी से डलवा दिए, हमारा सेठ रॉयल है यार, मतलब समझ जाओ आप, इतना रॉयल है कि
कह नहीं सकते उतना दोस्तों, क्योंकि कभी भी पैसों की जरूरत हो दोस्तों एक बार कहने पे डाल देते, ऐसा नहीं नहीं है डाल रहा हूँ ना बार बार क्यों फोन किया, ऐसा हमारे सिस्टम नहीं है, बोल दिया तो ठीक डाल नहीं है। और मैंने तो 1000 के लिए बोला था फिर भी उन्होंने 2000 डाल दिया, तो ऐसा सेट सबको मिले दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं सीधा और चलते हैं सीधा बॉर्डर के आसपास, वो वहीं खाना पीने का देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी मैंने, तो इस ब्लॉग का मेरा दूसरा दिन है दोस्तों। तो दोस्तों रात को फिर वहाँ से सामान लेके निकले थे, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फिर खाना पीना खा के सुरेश की गाड़ी चला रहा था दोस्तों। मैं तो सीधा ही सो गया था दोस्तों, और इसने मेरे को फैक्ट्री में आके उठाया सीधा दोस्तों, रास्ते में मेरा उठाया भी नहीं था, तो इसको बताया थोड़ी तबीयत भी ख़राब है ना इसलिए। तो दोस्तों हमने तिरपाल खोल दिया, सैंपल भी ले लिया और बिल भी हमने दे दिया है दोस्तों। और अब हमारा सैंपल आएगा दोस्तों करीबन करीबन दोस्तों 2 या 3 बजे के आसपास आएगा, इसलिए तो सुरेश ही चला रहा था गाड़ी दोस्तों, तो फिर सीधा फैक्ट्री में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे गांव में प्रोग्राम भी है दोस्तों, तो हम तो नहीं जा पाए दोस्तों, और मैं चला भी जाता बट क्या कि हमारे मामा जी भी नहीं आए थे, तो इसलिए दिक्कत होगी। देख कल मेला है आज प्रोग्राम है दोस्तों, तो कोई बात नहीं होता है दोस्तों, अगली बार देखेंगे। वैसे भी दीपावली आ रही है तो सीधा आप दीपावली पे घर जाएंगे दोस्तों, प्रोग्राम तो दीपावली पे जाने का ही है, और फिर भी बीच में अगर चले जाएंगे तो अलग बात है, बट हमारा प्रोग्राम अब सीधा दीपावली पे है। तो मामा जी को बोलेंगे आप अलग गाड़ी में सेट हो जाओ, मैं दीपावली तक तो इस गाड़ी को चला लेता हूँ, तो पता नहीं अब वो क्या बोलेंगे। तो चलो ठीक है दोस्तों, और नाश्ता भी हमने कर लिया है, और अब तिरपाल भी हमने खोल दिया, सैंपल भी ले लिया उन्होंने, बिल भी ले लिया, तो ठीक है दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट करते हैं अपन भी, और देखते अपना सैंपल कब तक आता है, और मेरे टेबलेट भी पड़ा हुआ है तो एक बार और ले लेता हूँ, बताइए। या पूरा गला जाम हो रहा है दोस्तों जुकाम के खातिर, और पता नहीं मैंने ठंडा पानी पिया भी नहीं फिर भी हो गया। चलो कोई ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों सैंपल आने के बाद फिर सीधा गाड़ी को अंदर लेंगे, फिर करवाएंगे खाली। तो ठीक है दोस्तों तब तक के लिए करते हैं। तो दोस्तों हमारा नंबर आ गया है, तो काटा हमने करवा लिया है दोस्तों, गाड़ी को हमने लगा दिया साइड। अब ये गाड़ी अंदर खाली हो रही है, तो भैया ने बोला थोड़ा बाहर लगा दो आम, और गाड़ी खाली होने के बाद फिर आपका लगवाएंगे। तो मैंने सोचा सुरेश ने भी चाय नहीं पिया तो चाय भी पी लेते दोस्तों। बहुत ख़तरनाक वाली धूप पड़ रही है गुजरात के अंदर दोस्तों, बिल्कुल भी बारिश नहीं है भाई, पिछले चक्कर से बारिश है ही नहीं इधर, और हम आए तब तक भी बारिश रास्ते में भी नहीं थी, इतनी बारिश थी नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। राजस्थान में थी बट गुजरात के अंदर तो अभी नहीं है, और राजस्थान में भी अभी थोड़ी देर कम पड़ गई है, इतनी नहीं आ रही है जितनी पहले आ रही थी। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10-12 दिन और आएगी फिर तो बिल्कुल ही चल जाएगी बारिश, तो बारिश का टाइम भी वैसा ख़त्म हो ही गया है दोस्तों। और अब हमारी मक्का है, मक्का की जो खेती है, तो ठीक है दोस्तों और तो दोस्तों यार हमने तिरपाल को शॉर्ट किया, चाय पी के आके शॉर्ट किया था दोस्तों, तो तिरपाल पीछे चक्कर हमारे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो हवा के खातिर तिरपाल पूरा बिगड़ गया था, हमने नीचे उतार के फिर सौटा उसको, तो ताकि हम नेक्स्ट अगर आएंगे तो तिरपाल करने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों अभी के लिए तो उनका हो रहा है लंच, तो लंच के बाद ही मेरा गाड़ी खाली होगा, तो अभी देखो लोडिंग वाले भी सब करने के लंच करने के ले गए हैं दोस्तों, तो ये भी लंच के बाद ही होगा लोड ये गाड़ी भी। तो इधर टाइल्स वगैरह ही बढ़ता है दोस्तों, और इधर गाड़ियाँ खाली होती है दोस्तों इसके अंदर, तो उधर हमारे तरफ की गाड़ी राजस्थान की है दोस्तों, जोधपुर की गाड़ी है दोस्तों। तो चलो ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं, और लंच होने के बाद फिर अपने गाड़ी लग लेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं अपना नंबर कब तक आता है, फिर गाड़ी को देखते हैं दोस्तों। फाइनली मेरी गाड़ी का नंबर आ गया है, और ये उस्ताद की गाड़ी भी लग गई है, और हमारी भी लगा दी है दोस्तों। तो पीछे देख सकते हो दोस्तों लेबर वाले खाली कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने अपने जो राजगढ़ से गाड़ियाँ भरते हैं उनको कॉल किया, तो वो बोल रहे शाम तक दिखाएंगे, तो इस बार दोस्तों हम भिलवाड़ा का ही लोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सैलरी से बात हुई है बीवी, तो वो बोल रहे हैं उसको बोल के अगर नहीं बुलाएगा तो फिर उधर ही चले जाएंगे। तो वो ट्रांसफर वाले अभी मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला भैया अभी उधर खड़े रहो खाली तो करो फिर मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला चलो ठीक आधा तो मेरा होने वाला ही है तो फिर आप थोड़ा जल्दी दिखा देना। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं अपना गाड़ी कब तक खाली होता है, फिर उनको पूछ लेंगे नहीं होगा तो भिलवाड़ा का बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं अपना गाड़ी कब तक खाली होता है।
दोस्तों फाइनली आपका भाई का गाड़ी खाली हो चुका है और हमारे को पेमेंट भी मिल गया है दोस्तों। टाइम पे खाली हो गया था तो टाइम पे पेमेंट मिल गया दोस्तों, ये हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग था वो आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जिस दिन वो ब्लॉग नहीं डाल पाया, क्यों नहीं डाल पाया दोस्तों, जिस दिन मेरी गाड़ी फंस गई थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। तो वो ब्लॉग अब आ रहा है मेरा लोडिंग वाला, जो मैं यहाँ से मोरबी से भर के गया था बिलोड़ा का टाइल दोस्तों। तो उससे अगर आपने देखा होगा मेरा गाड़ी उस दिन खाली नहीं होता, दूसरे दिन हुआ था। तो दूसरे दिन भी आप लोगों को पता है मेरा गाड़ी फंस गया था, जो मैंने ब्लॉग डाल रखी है वो, तो उसको भी दबा के शेयर कर देना। और ये जो लोडिंग वाली ब्लॉग थी दोस्तों, ये बाहर डालूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे को 5G नेट भी नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं बाहर जाके कहीं होगा तो वहाँ जाके अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो, यहाँ तक वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।